Today we'll see how to mount a tailgate based cycle carrier improvised on Ford EcoSport which cost merely 1000 rupees. ये आइडिया मुझे गाड़ी खरीदने से पहले ही आ गया था, बट इसको मैं इम्प्लीमेंट और रिकॉर्ड ये हमारी साइकिल पंचर हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और अब हम इसको ले जाना है पंचर शॉप तक। तो मैं इसको अपनी EcoSport पे माउंट करूँगा। इस अमेजन से मंगवाए हुए साइकिल रैक, दो साइकिल रैक मंगवाए थे, इनमें मैंने थोड़ा से होल्स बड़े करके स्टेपनी के साइज़ में इनको ग्लू गन से जोड़ के और एक मैंने इम्प्रोवाइज साइकिल कैरियर बनाया है। लेट्स सी हाउ। EcoSport के टायर को खोलने के लिए एलॉय में एक की आती है, एंटी थेफ्ट की, एंटी थेफ्ट। अब मैं स्टैंड को आप देखेंगे कैसे, अब आप देखेंगे कैसे मैं स्टैंड को इस पे फिक्स करूँगा। सिंपली मैंने इसको फिक्स किया जैसा कि आप देख सकते हैं। ये दो मैंने साइकिल के रूफ रैक मंगवाए थे और इनको मैंने बस सिर्फ ये होल ड्रिल कराया है, चिपकाया तो मैंने बस चिपकाने की ज़रूरत भी नहीं है, इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं। और ये मैंने इसमें फ़ोम पैडिंग लगाई है ताकि बाइसिकल में स्क्रैच ना पड़े, ये फ़ोम पैडिंग बाद में लगाई थी। अब ये दो नट के ऊपर साइकिल का वेट बहुत ही आराम से ले लेगा। ये हमारा फिट हो गया है साइकिल कैरियर। अब मैं साइकिल को, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ले जाना है तो मैं इस साइकिल का जो फ्रंट व्हील है इसको हटा के लगाऊंगा, बट अभी तो मुझे शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो मैं इसको ऐसे ही लगा देता हूँ। ये बॉटल हटा देता हूँ मैं इसकी। पंचर शॉप पास में, ये मेरे घर से अराउंड 2.5-3 किलोमीटर्स दूर, तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही लगा दूँगा। ये देखिए, ये साइकिल हमारी एकदम फिट आ गई है, साइकिल इज फिट। इसको केबल टाई से मैं थोड़ा सा सिक्योर कर दूँगा ताकि वॉबल ना करे। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ी सी और सिक्योरिंग चाहिए होगी, क्योंकि मुझे इसको शॉर्ट डिस्टेंस ले जाना है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मुझे इसका व्हील भी रिमूव करना पड़ेगा, जो कि आसानी से यहाँ से लैचेस से ही रिमूव पर फ्री व्हील हो जाता है, और उसको मैं 4 किलोमीटर पंचर शॉप तक ले सकता हूँ। आप देखिए गाड़ी से इनफ क्लियरेंस है। मैं टेस्ट कर चुका हूँ, ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक्सक्लूसिवली इसको कर चुका हूँ, तब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये नहीं टकराता, ये देखिए स्पीड ब्रेकर पर भी ये गाड़ी को डैमेज नहीं करता, इसमें एडिक्वेट क्लियरेंस है हर जगह से। अगर जब गाड़ी बम्प भी करती है तो भी ये, और लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बंजी को और उल्टी रोक से ये लगाना पड़ेगा। देखते हैं डोर खोल के, ये देखिए ये फंक्शनैलिटी में भी हार्डली एनी इफेक्ट। एंड जो प्रोफेशनल बाइक कैरियर्स आते हैं उसका कॉस्ट 3000-5000 up to 10000 होता है। ये मैंने 350-350 रुपये में ख़रीदा ही, तो खरीदे मैं आपको अभी इसका वीडियो दिख रहा हूँ आपको, और लिंक भी डाल दूंगा। और मतलब 700 का मेरा 350-350 दो मिला के ये बन गया। 200 रुपये मैंने उसको कटिंग वाले को दे दिए, थोड़ी सी पैडिंग लगाई, एंड दिस साइकिल इज रॉकिंग रेडी टू गो टू पंचर शॉप। आज पंचर शॉप बंद थी। अब आप देखेंगे कैसे मैं स्टैंड को इस पे फिक्स करूँगा। सिंपली मैंने इसको फिक्स किया जैसा कि आप देख सकते हैं। ये दो मैंने साइकिल के रूफ रैक मंगवाए थे
और इनको मैंने बस सिर्फ ये होल ड्रिल कराया है, चिपकाया तो मैंने बस, चिपकाने की ज़रूरत भी नहीं है, इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं। और ये मैंने इसमें फ़ोम पैडिंग लगाई है ताकि बाइसिकल में स्क्रैच ना पड़े, ये फ़ोम पैडिंग बाद में लगाई थी। अब ये दो नट के ऊपर साइकिल का वेट बहुत ही आराम से ले लेगा। ये देखिए ये साइकिल हमारी एकदम फिट आ गई है। इसको केबल टाइज से मैं थोड़ा सा सिक्योर कर दूँगा ताकि वॉबल ना करे।